Assalamu alaikum students, I am Waseem Ikram. This is the 26th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Inshallah, अच्छे होंगे, ठीक होंगे. पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अगेन सिक्वेंशियल सर्किट्स पे, डिफरेंट हमने चीज़ें डिस्कस की, उनको अब दोबारा हम रिवाइज़ करेंगे. आज का लेक्चर जो है वो कंसंट्रेट करेगा काउंटर्स पे. काउंटर्स कैसे बनते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, और एक और चीज़ जो है जो टाइमिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू सिंक्रोनस सर्किट्स, जो क्लॉक जो सिग्नल है उसकी वजह से कुछ टाइमिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो हम देखेंगे आज. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी एसिंक्रोनस इनपुट्स से. एसिंक्रोनस इनपुट्स जो हमने बताया था, दो किस्म के इनपुट्स हैं, क्लियर इनपुट है और प्रीसेट इनपुट है, वो डिपेंड नहीं करते क्लॉक इनपुट पे. तो जब भी आपने जेके फ्लिप फ्लॉप या कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट करना है, दैट मीन्स क्यू स्टेट को वन पे लेके आना है या रीसेट करना है, दैट मीन्स क्यू स्टेट को जीरो पे लेके आना है, तो बजाय ये कि आप क्लॉक इनपुट पे बार बार क्लॉक सिग्नल अप्लाई करें ताकि वो स्टेट पे पहुंचे, आप उसको बड़ी जल्दी से कर सकते हैं अगर आप क्लियर और प्रीसेट इनपुट को इस्तेमाल करें. क्लियर और प्रीसेट इनपुट जो हमने बताया था, इनकी प्रायोरिटी है ओवर द सिंक्रोनस इनपुट्स. जब भी आपने एक नॉर्मल फंक्शन के तौर पे ऑपरेट करना है जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो ये जो क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट्स हैं इनको आपने डीएक्टिवेट कर देना है. सो हमने बात की थी कि एक्टिव लो हैं इनपुट्स, तो इनको आपने लॉजिक हाई और लॉजिक हाई पे रखना है क्लियर को और प्रीसेट को. इसके बाद हमने बात की थी एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है हमने बताया था कि अब ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज़ नहीं होता, पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा उसमें. दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और जो नॉर्मल एक एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है, वो है क्लॉक का. नॉर्मल जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो जो इनपुट स्टेट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं आउटपुट पे जब क्लॉक की ट्रांजिशन होती है. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमने जैसे देखा कि क्लॉक ट्रांजिशन पे चेंज नहीं होता, बल्कि क्लॉक लेवल जब चेंज होता है फिर चेंज आता है उसमें. सो मास्टर वाला जो पार्ट है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, जब क्लॉक हाई होती है तो वो काम करता है, जब क्लॉक लो हो जाता है तब स्लेव वाला पोर्शन काम करता है. तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात की थी, जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लिप फ्लॉप के, उन पे हमने डिस्कस किया था. जो तीन चार मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हमने बताया था कि एक प्रोपेगेशन डिले है. प्रोपेगेशन डिले जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट पे उसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, कुछ देर के बाद आता है उसमें. तो चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, क्लॉक जब चेंज होगा तो आउटपुट लो से हाई हो जाएगा, क्लॉक चेंज होगा आउटपुट हाई से लो हो जाएगा, तो दो डिफरेंट प्रोपेगेशन डिलेज हैं. इसी तरह अगर आप एसिंक्रोनस इनपुट्स को चेंज करें, अगर आप प्रीसेट को एक्टिवेट करें तो आउटपुट जो है लो से हाई हो जाएगा, अगेन कुछ खास डिले के बाद होगा, तो अगेन ये एक प्रोपेगेशन डिले पैरामीटर आ रहा है. इसी तरह अगर क्लियर इनपुट को आप एक्टिवेट करते हैं तो हाई से लो हो जाएगा आउटपुट, तो अगेन किसी डिले के बाद आएगा. तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रोपेगेशन डिले पैरामीटर्स हैं. दो मज़ीद हमने पैरामीटर्स के बारे में बात की थी, सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम. हम ये कह रहे थे कि कोई भी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, जब भी क्लॉक ट्रांजिशन होगी जो भी इनपुट पे होगा उसकी वजह से आउटपुट चेंज होगा. अब इनपुट पे इंफॉर्मेशन स्टेबल होनी चाहिए, जब क्लॉक ट्रांजिशन होती है इनपुट पे इंफॉर्मेशन वन या ज़ीरो जो भी है वो स्टेबल होना चाहिए. अगर क्लॉक ट्रांजिशन के टाइम इनपुट इंफॉर्मेशन भी चेंज हो रही है तो आउटपुट पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि क्या आएगा. जो मिनिमम टाइम है जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट पे स्टेबल रखनी है उसको आप सेटअप टाइम कहते हैं. इसी तरह जब क्लॉक ट्रांजिशन हो जाता है उसके बाद भी आपने थोड़ी देर के लिए जो इनपुट पे इन्फॉर्मेशन उसको स्टेबल रखना है, उसमें फ़ौरन ही चेंज नहीं करना, उसको हम कहते हैं होल्ड टाइम. सो एक मिनिमम होल्ड टाइम है और मिनिमम एक सेटअप टाइम है. एक और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर था हमने बताया था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक अप्लाई करेंगे उस पर ऑपरेट करेगा, अगर आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो हो सकता है फ्लिप फ्लॉप आपका काम करना बंद हो जाए, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले हो रहा है, आपके इनपुट फ़ौरन ही चेंज हो रहा है और आउटपुट डिले के बाद आ रहा है, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती, इसलिए काम नहीं करेगा. सो फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फ्लिप फ्लॉप काम कर सकता है उसका आपने ख्याल रखना है. एक और जो चीज़ थी पावर डिसिपेशन जो थी, वो हर सर्किट के लिए उसका मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने एक पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है.
एक जो और पैरामीटर था वो था पल्स विड्थ। किसी भी फ्लिप फ्लॉप सर्किट में तीन किस्म की पल्सेस अप्लाई होती हैं, एक क्लॉक इनपुट है, उसका एक हाई टाइम होगा, लो टाइम होगा। इसी तरह एसिंक्रोनस इनपुट्स को अगर आप देखें, प्रीसेट इनपुट पे एक पल्स की सूरत में आप सिग्नल अप्लाई करेंगे, क्लियर इनपुट जो है उधर भी एक पल्स की सूरत में एक सिग्नल अप्लाई करेंगे। अब इनकी पल्स विड्थ क्या होनी चाहिए ये भी डाटा शीट में लिखी होती है और इसका ख्याल रखना आपके सर्किट डिज़ाइन में ज़रूरी है। इसके बाद हमने एक सर्किट को देखा था जिसको हम कह रहे थे कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल की हमने डेफिनेशन ये दी थी कि वो एक स्टेट में स्टेबल रहता है, जब आप उसको ट्रिगर करते हैं, एक इनपुट पल्स अप्लाई करते हैं, तो वो एक नॉर्मल स्टेट से एक दूसरी स्टेट में चला जाता है जो अनस्टेबल स्टेट कहलाती है, थोड़ी देर में रहता है और वापस स्टेबल स्टेट में आ जाता है। सो ये जो ड्यूरेशन है जिसमें वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे चेंज करते हैं, रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाते हैं, उनकी वैल्यूज़ अगर चेंज करें तो वो अनस्टेबल स्टेट की ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसको हम वन शॉट भी कहते हैं, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डिजिटल सर्किट्स में। बेसिकली पल्सेस अगर आपने जनरेट करनी है खास ड्यूरेशन की उधर आप यूज़ करेंगे। आज हम इधर से ही आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। कमर्शियली जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट वेल नोन मल्टी वाइब्रेटर है वो 555 के नाम से आता है। दो स्टेट्स में इसको कन्फिगर कर सकते हैं, एक तो ये मोनोस्टेबल और एक जो है ए स्टेबल। ए स्टेबल का मतलब है कि ये दो स्टेट्स में रह सकता है और दोनों ही स्टेट्स अनस्टेबल हैं। सो ये जो है 555 इसको कन्फिगर करेंगे अगर ए स्टेबल स्टेट में, तो कभी वो जीरो पे जाएगा, कभी वन पे जाएगा, फिर जीरो पे जाएगा, फिर वन पे जाएगा। सो दैट मीन्स एक दफ़ा इसको ट्रिगर कर दें तो इन दो स्टेट्स में टॉगल करता रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली जो क्लॉक सिग्नल है उसको आप देखें तो बेसिकली एक हाई लो बार बार हो रहा है। तो अगर आप 555 को ए स्टेबल स्टेट में कन्फिगर कर दें तो आपके आउटपुट पे वो एक क्लॉक सिग्नल आपको मिल जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स जो हैं, हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि दो टाइप के होते हैं, एक को आप रीट्रिगर कर सकते हैं, एक को रीट्रिगर नहीं कर सकते। रीट्रिगर का मतलब यह है कि आपने अगर ट्रिगर पल्स अप्लाई की तो वो नॉन स्टेबल स्टेट में चला गया। अब उस ड्यूरेशन में अगर आप दोबारा से ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर दें तो वो जो नॉन स्टेबल ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। नॉन रीट्रिगरेबल जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसमें एक दफ़ा आपने ट्रिगर किया, अनस्टेबल स्टेट में गया, उस दौरान अगर दोबारा ट्रिगर करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जितनी भी ड्यूरेशन है अनस्टेबल स्टेट की वो ख़त्म होगी, वापस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। आज हम बात शुरू करते हैं टाइमिंग की वजह से, ये जो सिंक्रोनस सर्किट हैं इनमें क्लॉक जो है उसकी टाइमिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक जो प्रॉब्लम है वो होल्ड टाइम की वजह से होती है। आप इस तरह एज्यूम करें कि दो आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनको आपस में आपने कनेक्ट किया हुआ है, क्लॉक दोनों की कॉमन है, तो एक ही सिग्नल आ रहा है जो दोनों के इनपुट पे जा रहा है। पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो क्यू आउटपुट है वो आपने जे इनपुट जो है दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप एज्यूम करें कि एक टाइम इंटरवल T1 लेट्स से उस पर आपने क्लॉक पल्स भेजी। अब क्लॉक पल्स जो है जो भी इनपुट होगा पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे, जे के इनपुट पे, और दूसरे वाले जे के इनपुट पे, वो इमीडिएटली उसका आउटपुट पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जे इनपुट 1 है, के इनपुट 0 है, जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई उसके आउटपुट पे क्यू 1 हो जाएगा। अब क्योंकि जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसका जे इनपुट क्यू आउटपुट पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके साथ कनेक्टेड है। अब जैसे हमने बताया था कि कोई भी जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट डाटा है वो स्टेबल रखना है क्लॉक ट्रांजिशन के बाद होल टाइम। सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है क्लॉक ट्रांजिशन आई उसके थोड़ी देर तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके इनपुट पे उसको स्टेबल रखना है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेबल नहीं रह रही क्योंकि क्लॉक तो दोनों को साइमल्टेनियसली मिली है, तो उसका फ़ौरन ही इनपुट चेंज होना शुरू हो गया। तो आया ये काम करेगा कि नहीं। बेसिकली प्रैक्टिकल अगर फ्लिप फ्लॉप्स देखें उनका होल्ड टाइम बहुत कम होता है, जीरो के बराबर होता है, तो उस केस में ये सर्किट्स काम करेंगे। पर आइए देखते हैं कि ये आपस में कनेक्ट कैसे हुए, टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि होल्ड टाइम से क्या इफेक्ट हो सकता है इसके आउटपुट पर। डायग्राम में एक जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट दिखाया गया, दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसा कि दिखाया गया दोनों के क्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं।
F1 जो है, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है, उसका आउटपुट वो जे इनपुट के साथ कनेक्टेड है जो कि दूसरा फ्लिप फ्लॉप है. सो दो आउटपुट्स हैं F1 और F2. पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों इनपुट्स जे एंड के परमानेंटली लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट हैं. सो इसका मतलब है जब भी क्लॉक आएगी तो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट जो है वो टॉगल होगा. पहले 0 है तो फिर 1 हो जाएगा, अगर पहले 1 है तो फिर 0 हो जाएगा. अब जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे. अगर पहला वाला फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट 1 है, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी 1 हो जाएगा. अगर पहला वाला फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट 0 है, दूसरे वाले का आउटपुट वही रहेगा क्योंकि दोनों इनपुट जे के इनपुट 0-0 हो गए. आइए ज़रा देखते हैं ये टाइमिंग डायग्राम इस सर्किट का. टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक पल्स दिखाई गई, क्लॉक सिग्नल दिखाया गया जो शुरू में 0 है, फिर हाई हुआ है और फिर हाई से लो हो रहा है. सो T1 इंटरवल पे वो हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है. आउटपुट F1 दिखाया गया. हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है इनिशियली हाई है, इसी तरह फ्लिप फ्लॉप 2 का जो इनिशियल आउटपुट है वो 0 है. सो टाइम इंटरवल T1 पे, क्योंकि दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के पास क्लॉक जो पल्स है एक टाइम में पहुंची है T1 इंटरवल पे, तो आउटपुट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप का वो हाई से लो हो जाएगा कुछ प्रोपगेशन डिले के बाद, जो है TPHL, हाई टू लो ट्रांजिशन. इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट चेंज होगा 0 से 1 पे आफ्टर ए सर्टन प्रोपगेशन डिले, जो लिखा हुआ है TPLH, लो से हाई ट्रांजिशन. अब ये दोनों जो प्रोपगेशन डिले हैं ये डिपेंड करते हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप्स पे. अब अगर आप दोबारा से T1 इंटरवल पे देखें, T1 इंटरवल पे जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट पे 1 है, लॉजिक 1 है. सो जो जे के फ्लिप फ्लॉप है दूसरा वाला, उसके जे इनपुट पे भी लॉजिक 1 आ रहा है. जो ही क्लॉक पल्स आई T1 इंटरवल पे, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्यू स्टेट 1 कर देगा, सेट हो रहा है. T1 इंटरवल पे जो ही क्लॉक आई, आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप 1 का वो साथ ही में चेंज होना शुरू हो गया. इसका मतलब है जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका जे इनपुट भी इमीडिएटली चेंज होना शुरू हो गया. तो होल टाइम जो है वो 0 है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे जो ही क्लॉक पल्स आएगी, जो इनपुट है उसको किसी मिनिमम टाइम के लिए जो होल टाइम है मेंटेन रखना है, जो कि इधर नहीं हो रहा. अब ये सर्किट काम करेगा कि नहीं, जैसे कि हमने पहले बताया प्रैक्टिकली होल्ड टाइम 0 नैनोसेकंड्स होते हैं, तो ये सर्किट काम करेगा. अगर इसका होल्ड टाइम बड़ा होता प्रोपगेशन डिले से, तो फिर इस सर्किट ने काम नहीं करना था. अभी हमने एक देखा प्रॉब्लम होल्ड टाइम की वजह से जो कि हो सकता है. हमने बताया कि प्रैक्टिकल सर्किट्स में होल्ड टाइम क्योंकि बहुत कम होता है, इट्स लेस देन द प्रोपगेशन डिले टाइम, देयरफॉर वो प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहा. दो और टाइमिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एक जो टाइमिंग प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं क्लॉक स्क्यू, और दूसरा कहते हैं रेस कंडीशंस. क्लॉक स्क्यू बेसिकली क्या है? देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस सर्किट्स की, दैट मींस जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो उनके सारे क्लॉक इनपुट्स एक कॉमन क्लॉक के साथ कनेक्टेड हैं. अब सर्किट बोर्ड पे अगर आप देखें फिजिकली, उन डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स की लोकेशन डिफरेंट जगहों पे हो सकती है. तो एक जो फ्लिप फ्लॉप है बिल्कुल क्लॉक इनपुट के करीब लगा हुआ है, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक इनपुट से काफ़ी दूर में लगा हुआ है. तो अगर आप क्लॉक पे ट्रांजिशन होता है हाई से लो होता है, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उधर वो हाई टू लो ट्रांजिशन पहले पहुंचेगी, और जो दूर लगा हुआ है सर्किट डायग्राम सर्किट बोर्ड पे उधर क्लॉक ट्रांजिशन बाद में होगी. सो इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप 1 की स्टेट अगर आउटपुट चेंज हो रही है वो पहले हो जाएगी, फ्लिप फ्लॉप 2 जो है उसकी स्टेट बाद में चेंज होगी. अब हमने शुरू में बात की थी कि सारे सिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, एक ही दफ़ा इनपुट पे चेंज हो रहा है और एक ही दफ़ा आउटपुट पे चेंज हो रहा है. अब इस क्लॉक स्क्यू की वजह से फिज़िकल जो कनेक्शन है उसका जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है उसकी वजह से जो आउटपुट्स हैं वो मुख्तलिफ टाइम्स में चेंज हो रहे हैं. अब इससे किस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हम देखते हैं, एक सर्किट डायग्राम देखते हैं और फिर उसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको हम डिफाइन करते हैं रेस कंडीशन. रेस कंडीशन क्या है? अगर एक इनपुट कोई सा भी चेंज होता है एक सिक्वेंशियल सर्किट का, उसकी वजह से डिफरेंट इंटरनल वेरिएबल्स आउटपुट्स जो हैं वो चेंज होते हैं. अब जे के फ्लिप फ्लॉप के ही ले लें, अगर क्लॉक सिग्नल चेंज होता है तो उसका क्यू आउटपुट और क्यू बार आउटपुट चेंज होता है. अब लेट्स सपोज ये क्यू आउटपुट और क्यू बार आउटपुट किसी और सर्किट के साथ कनेक्टेड है. सो इनके चेंज होने में क्यू पहले होगा या क्यू बार पहले होगा, जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो सकता है.
सो अगेन इस रेस कंडीशन की वजह से डिफरेंट किस्म का बिहेवियर हो सकता है सर्किट का. इसको समझने के लिए अगेन इसका भी एक सर्किट डायग्राम देखते हैं और टाइमिंग डायग्राम देखते हैं. सो आइए पहले क्लॉक्स क्यू को देखें और उसके बाद रेस कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. आइए पहले क्लॉक्स क्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. सर्किट डायग्राम में दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं. पहला जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों इनपुट्स जो हैं वन पे परमानेंटली कनेक्टेड हैं. इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका जे इनपुट तो क्यू आउटपुट से कनेक्टेड है पहले वाले के, और के इनपुट जो है वो ग्राउंड किया हुआ. दो आउटपुट्स हैं एफ वन एंड एफ टू. क्लॉक सिग्नल को अगर देखें पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है क्लॉक वन, यही क्लॉक सिग्नल जो है दूसरे के साथ कनेक्टेड है बट इट पासिस थ्रू ए नैंड गेट एंड ए नॉट गेट. अब क्लॉक टू को एक्टिवेट करने के लिए जो ए इनपुट है उसको लॉजिक वन के साथ कनेक्ट करना होगा. अब जरा देखते हैं इस सर्किट का टाइमिंग डायग्राम. क्लॉक वन जो सिग्नल है वो लो है फिर हाई हुआ, हाई से लो हुआ. सो ये जो क्लॉक वन सिग्नल है ये टी वन पे हाई हो रहा है और टी थ्री पे लो हो रहा है. अब क्लॉक टू सिग्नल जो है वो भी फ्लिप फ्लॉप टू के साथ कनेक्टेड है और ये क्लॉक वन वाला ही सिग्नल है पर ये डिले के बाद फ्लिप फ्लॉप टू पे पहुंच रहे क्योंकि नैंड गेट बीच में लगा हुआ है और एक नॉट गेट लगा हुआ है. सो क्लॉक टू जो है वो हाई होगा टी टू इंटरवल पे और हाई से लो होगा टी फोर इंटरवल पे. तो एक बीच में डिले आ रहा है स्टार्ट पे भी और एंड पे भी. अब जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसको क्योंकि क्लॉक वन सिग्नल पहले मिला है तो वो अपनी चेंज आउटपुट जो स्टेट है वो चेंज करेगा जीरो से वन थोड़े प्रोपिगेशन डिले के बाद टी पी एल एच. इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो अपनी आउटपुट स्टेट चेंज करेगा जब उसको क्लॉक टू सिग्नल मिलता है. सो टी फोर पे क्लॉक ट्रांजिशन हुई, टी फाइव पे जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट चेंज हो गया लो से हाई, और ये डिपेंड करेगा टी पी एल एच क्योंकि लो से हाई जा रहा है. अब अगर आप ये एज्यूम करें कि जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो प्रोपगेशन डिले टाइम है टी पी एल एच वो ज़्यादा बड़ा है, दैट मीन्स टी थ्री से लेके टी फाइव तक है. सो जो फ्लिप फ्लॉप टू है उसके आउटपुट पे क्या इन्फॉर्मेशन होगी? अगर उसका प्रोपगेशन डिले टाइम बड़ा हो पहले फ्लिप फ्लॉप का तो टी फोर इंटरवल पे जब क्लॉक टू फ्लिप फ्लॉप टू के पास पहुंचता है जे इनपुट फ्लिप फ्लॉप टू का ज़ीरो स्टेट पे है. सो इसका मतलब है आउटपुट पे ज़ीरो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. इसी तरह अगर पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो प्रोपगेशन डिले टाइम जो है वो कम है टी थ्री और टी फोर इंटरवल से कम है या टी थ्री या टी फोर इंटरवल के बराबर है तो फिर क्या होगा? जे इनपुट पे आपको लॉजिक वन नज़र आएगा और लॉजिक वन से जो फ्लिप फ्लॉप टू है वो स्टेट अपना सेट कर रहा है, आउटपुट वन पे जा रहा है. सो जैसा कि टाइमिंग डायग्राम से इधर नज़र आ रहा है प्रोपगेशन डिले की वजह से आउटपुट पे या वन आएगा या ज़ीरो आएगा. आइए डिस्कस करते हैं रेस कंडीशन से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं. जो डायग्राम है इसमें आपको एक जे के फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया, इसके दोनों इनपुट्स जो हैं लॉजिक वन के साथ कनेक्टेड हैं. सो दैट मींस जो ही इसको क्लॉक पल्स मिलेगी इसका आउटपुट जो है वन होगा या ज़ीरो होगा, टॉगल होगा. जो जे के फ्लिप फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है. इसके जो दो आउटपुट्स हैं क्यू एंड क्यू बार वो दो एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं. जो दूसरे एंड गेट के इनपुट्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं क्लॉक के साथ. सो एंड गेट के आउटपुट्स जो हैं दो किस्म की क्लॉक्स हमें मिल रही हैं, क्लॉक वन और क्लॉक टू. अब रेस कंडीशन में हमने ये बताया कि जो ही कोई एक इनपुट चेंज होता है उसकी वजह से कुछ इंटरनल वेरिएबल्स चेंज होंगे. अब वो कितनी देर के बाद चेंज होते हैं उससे जो आउटपुट में है इफेक्ट हो सकता है. सो क्यू और क्यू बार डिफरेंट टाइम्स में चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लॉक वन और क्लॉक टू सिग्नल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आइए देखते हैं टाइमिंग डायग्राम. पहले टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक इनपुट दिखाया गया जो हाई से लो हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो अपवर्ड एरोस बता रही हैं कि इस जगह पे ट्रांजिशन होगी. क्यू और क्यू बार जो हैं आउटपुट्स बता रहे हैं. सो क्यू और क्यू बार टॉगल कर रहे हैं वन से ज़ीरो एंड ज़ीरो से वन. क्लॉक वन और क्लॉक टू को अगर देखें क्लॉक वन जैसे हमने बताया कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है क्यू और क्लॉक में. सो जो पॉजिटिव हाफ है क्लॉक का और क्यू क्योंकि पॉजिटिव है टी वन और टी टू इंटरवल से तो एंड गेट की आउटपुट जो है वो पहले पॉजिटिव हाफ में हाई होगी और दूसरे क्लॉक साइकिल में ज़ीरो होगी, लॉजिक लो होगी. अगर क्यू जो है टी टू की जगह टी टू से थोड़ा सा आगे जाके लो हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्लॉक वन जो है उसमें शॉर्ट टाइम के लिए एक पॉजिटिव पल्स दिखाई देगी जैसे कि टाइमिंग डायग्राम में टी टू इंटरवल के बाद नज़र आ रही है.
इसी तरह अगर टाइम इंटरवल T4 पे देखें, अगर क्यू जो आउटपुट है वो थोड़ी देर के लिए T4 इंटरवल के बाद हाई रहता है, तो एंड गेट जो है क्लॉक वन आउटपुट जो है उस पर एक आपको एक शॉर्ट पल्स नज़र आएगी जिसको हम ग्लिच कहते हैं। इसी तरह T6 पे भी आपको नज़र आ रहा है। क्लॉक टू को अगर आप देखें, अगर क्यू बार आउटपुट जो है वो T1 इंटरवल के थोड़ी देर बाद भी ऑन रहती है या हाई रहती है, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, क्लॉक टू आउटपुट पे एक शॉर्ट पल्स आएगी, नज़र आएगी। इसी तरह T2 इंटरवल पे जो है क्यू बार हाई है और क्लॉक का पॉजिटिव हाफ भी हाई है, तो T2 पे क्लॉक टू हाई नज़र आ रहा है। जो सेकंड हाफ है, जब क्लॉक इनपुट लो हो जाता है, क्यू क्लॉक टू भी लो हो गया। पर अगर क्यू बार जो है वो हाई रहता है T3 इंटरवल के बाद भी, तो उधर आपको अगेन एक शॉर्ट पल्स नज़र आएगी। सो इस किस्म के सर्किट में रेस कंडीशन की वजह से आपको इस किस्म की शॉर्ट पल्सेस नज़र आएंगी, जो इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये डिजिटल सर्किट के इनपुट पे अगर कनेक्टेड हो तो उधर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं, क्योंकि वो ठीक तरीके पे काम नहीं करेगा। अब इस रेस कंडीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा सलूशन है। अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप ऐसा इस्तेमाल करें जिसका नेगेटिव क्लॉक है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, तो उसकी वजह से अगर आप टाइमिंग डायग्राम को देखें, नेगेटिव ट्रांजिशन पे T1 पे क्यू जो है लो से हाई जा रहा है और क्यू बार हाई से लो जा रहा है, और क्लॉक वन को अगर आप देखें वो T1 T2 टाइम इंटरवल के सेकेंड हाफ में हाई है। अब क्यू अगर T2 से स्लाइटली बढ़ भी जाए तो क्लॉक वन का आउटपुट ज़ीरो ही रहेगा, उधर एक पॉजिटिव पल्स नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप क्यू बार को देखें, वो T2 से हाई होते हैं और T3 तक हाई रहता है। अगर ये T3 से थोड़ी देर आगे भी हाई रहे तो क्लॉक टू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही आएगा। तो जे के फ्लिप फ्लॉप अगर हम नेगेटिव एज ट्रिगर यूज़ करें तो उसकी वजह से ये रेस कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी क्लॉक्स क्यू की वजह से जो आ रही हैं और रेस कंडीशंस की वजह से आ रही हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल मामूली सी चीज़ों से हो सकती हैं। क्लॉक्स क्यू हमने जैसे देखा है डिफरेंट सर्किट्स हैं, उन तक क्लॉक एक टाइम में नहीं पहुँच रहा, तो आपने अगर सर्किट डिज़ाइन करना है यू हैव टू इंश्योर के दोनों जो मुख्तलिफ सर्किट्स हैं उस तक क्लॉक एक ही टाइम में पहुँचे। क्लॉक जो डिले हो रहा है उसके रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी है, उसके साथ आपने कितने सर्किट्स कनेक्ट किए हैं, उसके साथ लेट्स से आप ऑसिलोस्कोप से आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं, जो लॉजिक आप जो प्रोब लगाते हैं उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है उसमें। सो डिज़ाइन जब आप करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। आइए बात करते हैं काउंटर्स की। काउंटर्स, जैसे हमने बताया कि फ़्लिप फ्लॉप की एक मेजर जो एप्लीकेशन है वो है काउंटर्स। सो फ्लिप फ्लॉप्स को आप डिफरेंट तरीक़ों से जोड़ के आप काउंटर्स बना सकते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स बना सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स बना सकते हैं। इन सर्किट्स को देखें तो तकरीबन एक जैसे सर्किट्स हैं। हम बात करेंगे सिर्फ काउंटर्स पे। काउंटर्स दो किस्म के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर्स। एसिंक्रोनस का मतलब है कि जो काउंटर की इनपुट है उधर ऑफकोर्स क्लॉक सिग्नल आएगा तो वो काउंटर इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। अब लेट्स से आपने 4-bit काउंटर बनाया, तो 4-bit काउंटर बनाने के लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, वो आपस में किसी तरह कनेक्टेड हैं। अगर एसिंक्रोनस काउंटर है तो इसका मतलब है कि वो जो क्लॉक पल्स है वो चारों को एक साथ नहीं मिल रही, एसिंक्रोनस नहीं मिल रही है। सो पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ क्लॉक इनपुट कनेक्टेड होगी, बाकी जो दूसरा तीसरा और चौथा जो फ्लिप फ्लॉप है उसको जो क्लॉक मिल रही है वो पहले वाले से मिल रही है, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसको पहले वाले से क्लॉक मिल रही है, जो तीसरा है उसको दूसरे वाले से क्लॉक मिल रही है, और इस तरह जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है उसको तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप से मिल रही है। सो दैट मींस वो क्लॉक जो है वो एक तरीके से प्रोपोगेट हो रही है डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप से, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस काउंटर्स हैं उनमें भी लेट्स से अगर आप 4-bit काउंटर बनाना चाह रहे हैं तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स चूज़ करने पड़ेंगे, और चारों की जो क्लॉक इनपुट है वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो दैट मींस चारों को क्लॉक जो है साइमल्टेनियसली मिल रहा है। अब ये सर्किट सिंक्रोनस सर्किट्स उनका फ़ायदा क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर सर्किट्स उनका फ़ायदा क्या है, कैसे काम करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। पहले हम डिस्कशन करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर्स पे। एसिंक्रोनस काउंटर्स, हमने क्लॉक तो डिस्कस कर ली कि पहले वाले को क्लॉक कनेक्ट होगी, बाकियों को पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से क्लॉक मिल रही है। इनके जो जे के इनपुट हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, देखें अगर आप काउंटर को ज़रा उसका टाइमिंग डायग्राम देखें या उसका जो फंक्शन डायग्राम है वो देखें, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमेशा टॉगल करेगा 0101 पे।
इसी तरह जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है वो कुछ इंटरवल के लिए ज़ीरो रहेगा और कुछ टाइम इंटरवल के लिए वन रहेगा। सो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को उसके जो जे के इनपुट्स हैं उनको आपने परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट कर देना है। दैट मींस जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुई आउटपुट जो स्टेट है वो अगर ज़ीरो है वन हो जाएगा, अगर वन है ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप बाइनरी नंबर्स भी लिखें ज़ीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ज़ीरो वन ज़ीरो वन हो रहा है। तो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो जे इनपुट है और के इनपुट है वो आप बेसिकली परमानेंटली वन कर देंगे। अब क्लॉक इनपुट क्योंकि पहले वाले से आ रही है तो अब जैसे हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में क्या होता है जो आउटपुट पे जो क्लॉक आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू हो जाती है। सो दैट मीन्स सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है डिले के बाद चेंज होगा। दैट मीन्स उसकी अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो इट वुड बी हाफ ऑफ द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आइए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि एक जो 3-bit काउंटर या 4-bit काउंटर कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। डायग्राम में एक 3-bit एसिंक्रोनस अप काउंटर दिखाया गया। अप काउंटर का मतलब है ये काउंट अप करता है। सो इनिशियली अगर 000 है तो जब क्लॉक पल्स आएगा तो ये 001 काउंट करेगा, उसके बाद दोबारा क्लॉक पल्स के आने पे 2 पे हो जाएगा एंड सो ऑन। तीन जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं। तीनों के जो इनपुट्स हैं जे के इनपुट्स हैं उनको परमानेंटली वन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो दैट मीन्स जब भी क्लॉक पल्स आई पहले वाले पे या दूसरे पे या तीसरे पे, इसकी आउटपुट जो स्टेट है वो टॉगल हो जाएगी। अब पहले और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को अगर आप देखें, पहले वाले का जो आउटपुट है क्यू वो कनेक्ट किया हुआ है दूसरे वाले के क्लॉक इनपुट के साथ। इसी तरह दूसरे और तीसरे फ्लिप फ्लॉप को अगर देखें, पहले दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है F1 वो कनेक्ट हुआ हुआ है दूसरे वाले तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ। अब आइए देखते हैं ज़रा टाइमिंग डायग्राम। हम एज्यूम करते हैं कि तीनों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उनकी आउटपुट स्टेट जो है 000 पे सेट हुई हुई है। सो जो ही पहली क्लॉक ट्रांजिशन हुई फ्लिप फ्लॉप वन पे, हाई टू लो ट्रांजिशन पे, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है 0 से 1 हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप टू और फ्लिप फ्लॉप थ्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हो रही है फ्लिप फ्लॉप टू के इनपुट पे वो लो से हाई हो रही है। फ्लिप फ्लॉप टू जैसा कि दिखाया गया है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। इसी तरह क्योंकि फ्लिप फ्लॉप टू के आउटपुट पे कोई चेंज नहीं हो रहा, फ्लिप फ्लॉप थ्री का जो इनपुट है क्लॉक इनपुट उधर भी कोई चेंज नहीं होगा, सो फ्लिप फ्लॉप टू और थ्री का आउटपुट ज़ीरो ही रहेगा। अब इंटरवल T2 पे अगर देखें, फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हुई, हाई टू लो ट्रांजिशन से फ्लिप फ्लॉप वन का जो आउटपुट है F0 वो चेंज हो जाएगा हाई से लो पे। अब हाई से लो पे जब चेंज हुआ, फ्लिप फ्लॉप टू जो है उसके क्लॉक इनपुट पे भी हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक की। सो इसका मतलब है आउटपुट जो है टॉगल हो जाना चाहिए क्योंकि जे के इनपुट्स वन पे कनेक्ट हुए हैं। तो आपको F1 आउटपुट जो है वो चेंज होता नज़र आ रहा है, T2 से T3 इंटरवल तक लॉजिक हाई हो गया। फ्लिप फ्लॉप 3 जो है उसके क्लॉक इनपुट पे कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप 2 है उसका आउटपुट लो से हाई चेंज हो रहा है। सो पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रही है, नेगेटिव ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसीलिए जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट F2 जो है 0 पे रहेगा। T3 इंटरवल को अगर देखें, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है तो जो F0 आउटपुट है वो तो लो से हाई हो गया। अब क्योंकि F1 का जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पहला दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक इनपुट पे ट्रांजिशन जो क्लॉक की हो रही है वो लो से हाई हो रही, हाई से लो नहीं हो रही। इसी तरह जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है F2 आउटपुट उस पर भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। T4 टाइम इंटरवल को अगर आप देखें, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप उसके क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है जिसकी वजह से इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसके आउटपुट चेंज होने की वजह से हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप टू जो है उसका F1 आउटपुट वो भी चेंज होगा, सो हाई से लो हो रहा है। अब अगर आप फ्लिप फ्लॉप 3 को देखें, उसके भी क्लॉक इनपुट पे हाई टू लो क्लॉक ट्रांजिशन हो रही है जिसकी वजह से उसका भी आउटपुट जो है लो से हाई हो गया। इसी तरह अगर आप मज़ीद आगे देखें, T5, T6, T7, T8 इंटरवल्स पे हाई टू लो ट्रांजिशंस पे जहाँ जिस इनपुट पे हो रही है उसका आउटपुट तो चेंज हो रहा है, जिस क्लॉक इनपुट पे नहीं हो रही उधर आउटपुट जो है वही पुराना वाला रहता है।
अब ये जो तीन जे के फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन है, ये एज ए काउंटर कैसे काम कर रहा है? अगर टाइमिंग डायग्राम को देखें, T1 इंटरवल से पहले तीनों जो आउटपुट स्टेट्स हैं वो 0-0-0 हैं, तो ये इसका आउटपुट जो है काउंटर का आउटपुट वो 0-0-0 है। T1 और T2 इंटरवल के दरमियान में अगर आप देखें, F0 आउटपुट जो है वो 1 हो गया, F1 आउटपुट और F2 आउटपुट दोनों 0 हैं, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0-0-1, सो दैट मीन्स स्टेट 0 से चेंज होकर 1 हो गया। इसी तरह इंटरवल T2 और T3 के दरमियान देखें, F0 आउटपुट जो है वो 0 है, F1 आउटपुट 1 है और F2 आउटपुट 0 है, तो ये बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा है 0-1-0 विच मीन्स 2। और इसी तरह T3 T4 इंटरवल में काउंट जो है भड़के 3 हो गया, T4 T5 इंटरवल में काउंट भड़के 4 हो गया, इसी तरह आगे जो इंटरवल्स हैं उनमें 5, 6 एंड 7 हो गया। आखिरी जो इंटरवल है T7 एंड T8, उसमें आपको काउंट वैल्यू 1-1-1 नज़र आ रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी 7। इसके बाद जो है, क्योंकि ये 3-बिट काउंटर है तो इससे आगे नंबर काउंट नहीं कर सकता, 8 पे नहीं जा सकता, तो T8 इंटरवल पे अगर देखें तीनों आउटपुट्स पे हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है, दैट मीन्स T8 इंटरवल के बाद जो तीनों आउटपुट्स हैं वो 0-0-0 पे वापस रीसेट हो गए। अभी हमने एक 3-बिट एसिंक्रोनस काउंटर देखा, उसका सर्किट डायग्राम देखा, उसका टाइमिंग डायग्राम देखा। इसमें हमने प्रोपेगेशन डिले को कंसिडर नहीं किया। फ्लिप फ्लॉप 1 का अगर आप आउटपुट देखें, जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ आउटपुट चेंज हो गया। इसी तरह फ्लिप फ्लॉप 2 को अगर आप देखें, जो ही क्लॉक ट्रांजिशन हुआ आउटपुट इमीडिएटली चेंज हो गया। इसी तरह फ्लिप फ्लॉप 3 का भी है, जो ही क्लॉक चेंज हुआ आउटपुट चेंज हो गया। प्रैक्टिकल सर्किट में ऑफकोर्स ये प्रोपेगेशन डिले होगा, बहुत छोटा होगा पर होगा सही, उसकी वजह से टाइमिंग डायग्राम में फर्क पड़ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लॉक इनपुट, जो इनपुट क्लॉक जो है पहले फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे सर्किट के आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होगी, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं एक टाइमिंग डायग्राम जिसमें प्रोपेगेशन डिले को कंसिडर किया गया है। टाइमिंग डायग्राम एक 3-बिट एसिंक्रोनस काउंटर का दिखाया गया, जिसमें प्रोपेगेशन डिले को भी दिखाया गया। T1 इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है, उसका F0 आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है थोड़ी देर के बाद, फौरन ही T1 पे चेंज नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद हो रहा है, ये इसके प्रोपेगेशन डिले की वजह से। इसी तरह अगर T2 इंटरवल पे देखें, जब हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है F0 आउटपुट पे, उसके थोड़ी देर के बाद F1 आउटपुट पे भी ट्रांजिशन हो रही है लो टू हाई, ये भी प्रोपेगेशन डिले की वजह से। अगर आप T4 से लेके T7 इंटरवल पे देखें, तो T4 इंटरवल पे क्लॉक इनपुट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप का हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो हाई टू लो चेंज हो रहा है T5 इंटरवल में प्रोपेगेशन डिले की वजह से। इसके चेंज होने की वजह से फ्लिप फ्लॉप 2 जो है उसका F1 आउटपुट वो भी हाई टू लो चेंज हो रहा है, और ये थोड़ी डिले के बाद हो रहा है, प्रोपेगेशन डिले जो है T5 और T6 इंटरवल के बराबर है। और तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका भी आउटपुट लो से हाई चेंज हो रहा है, जब उसको एक क्लॉक इनपुट मिल रहा है सिग्नल हाई टू लो ट्रांजिशन T6 पे, सो आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है T7 इंटरवल पे। सो अगर इसको आप देखा जाए, T4 पे क्लॉक इनपुट आया और फाइनल जो आउटपुट है F2 आउटपुट पे वो चेंज हो रहा है T7 पे, ये सारा कुछ हो रहा है प्रोपेगेशन डिले के बाद। इधर जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है उसका टाइम पीरियड जो है, एक क्लॉक साइकिल जो है T1 से लेके T2 तक चल रहा है, ये टाइम पीरियड बहुत बड़ा है प्रोपेगेशन डिले से, तो इस सर्किट के आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली काम करेगा। आइए दूसरा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं, जिसमें जो प्रोपेगेशन डिले है वो बराबर है हाफ द क्लॉक साइकिल, दैट मीन्स आपने क्लॉक साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, सो इसका मतलब है प्रोपेगेशन डिले एज कम्पेयर टू दी क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गया। अब T1 इंटरवल पे देखें, हाई टू लो ट्रांजिशन हुई, F0 आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है प्रोपेगेशन डिले के बाद, जो बीच में मिडल में हो रहा है जब हाई लो से हाई हो रहा है T1 इंटरवल के बाद। इसी तरह अगर आप T2 टाइम इंटरवल पे देखें, हाई टू लो ट्रांजिशन पे फौरन ही F0 आउटपुट टॉगल नहीं कर रहा, वो बीच में जाके टॉगल कर रहा है। इसी तरह T3 इंटरवल पे अगर आप देखें, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है F0 का आउटपुट वो हाई से लो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से F1 आउटपुट पे लो से हाई चेंज होना चाहिए। अब ये लो से हाई चेंज जो है इमीडिएटली नज़र नहीं आ रहा, वो प्रोपेगेशन डिले के बाद T3 इंटरवल पे हो रहा है, सो T2 से लेके T3 जो है ये प्रोपेगेशन डिले है।
अब T4 से लेके अब T6 तक अगर देखें, T4 में हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे, जिसकी वजह से उसका आउटपुट जो है F0 आउटपुट वो चेंज हो रहा है हाई से लो TA इंटरवल पे। अब इस वजह से जो चेंज हुआ हाई टू लो ट्रांजिशन, F1 आउटपुट भी चेंज होगा हाई टू लो होगा। अब ये हाई टू लो जो है T5 इंटरवल पे जाके हो रहा है। अब ये क्योंकि आउटपुट जो है F1 ये कनेक्टेड है तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ, उधर जब हाई टू लो ट्रांजिशन होगा T5 पे तो तीसरे वाला फ्लिप फ्लॉप जो है उसका F2 आउटपुट चेंज हो जाएगा 0 से 1, और ये चेंज हो रहा है TB इंटरवल पे। सो T4 से लेके TB इंटरवल जो है इसको अगर मेजर करें ये 1.5 क्लॉक साइकिल है। इसकी वजह से सर्किट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं फंक्शन टेबल से। इंटरवल T1 तक तीनों आउटपुट्स 0 हैं, सो फंक्शन डायग्राम में भी F0, F1, F2 जो हैं 0, 0, 0 दिखाए गए हैं। इंटरवल T1 से लेके T2 तक पहले हाफ में तो तीनों आउटपुट 0 हैं, पर दूसरे हाफ में F0 आउटपुट 1 हो गया। सो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लॉक पल्स 2 जब मिली तो उस वक्त F2, F1 0, 0 हैं, F0 जो है वो 1 है। इस तरह इंटरवल T3 पे देखें तो F0 जो है वो 0 हो गया हुआ है, F1 T3 पे 1 होने वाला है और F2 जो है वो 0 है। F1 को क्योंकि वो 1 होने वाला है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 हो गया है। सो T3 इंटरवल पे आपको जो काउंट वैल्यू मिल रही है F2 0 मिल रही है, F1 1 मिल रहा है एंड F0 0 मिल रहा है। T4 इंटरवल पे अगर आप देखें F0 1 है, F1 1 है और F2 0 है। सो जो क्लॉक पल्स 4 है उस पे 0, 1, 1 काउंट मिल रहा है। अब T5 पे अगर आप देखें F0 0 है, F1 जो है वो 1 है और F2 0 है। अब वैसे तो टाइम इंटरवल T5 पे काउंट अप होके 5 हो जाना चाहिए, पर इधर जो काउंट नज़र आ रहा है वो 2 नज़र आ रहा है। इसी तरह T6 पे अगर आप देखें F0 1 है, F1 0 है और F2 1 है, विच मीन्स 5। सो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने की वजह से जो काउंटर सर्किट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अभी हमने एसिंक्रोनस काउंटर देखा जिसमें प्रोपेगेशन डिले को कंसिडर किया गया। उसमें हमने ये देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दें तो फ्लिप फ्लॉप जो है, जो काउंटर है वो काम करना छोड़ देगा। शुरू में जब हमने पैरामीटर्स की, ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात की थी, हमने ये कहा था कि हर फ्लिप फ्लॉप जो है एक ख़ास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देगा। वो इसी वजह से कि प्रोपेगेशन डिले जो है वो बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू दी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आइए बात करते हैं एक जनरल पर्पस काउंटर है वो कैसे बनाना है। इधर तो हमने बात की थी 3-bit काउंटर, 4-bit काउंटर कैसे बनाएंगे, 5-bit काउंटर कैसे बनाएंगे, या आपने 30 तक काउंट करना है या 20 तक काउंट करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होंगे। बेसिकली यूजिंग दीज फ्लिप फ्लॉप्स हम मॉड एन काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। मॉड मीन्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब है कितने यूनिक स्टेट्स हो सकते हैं। सो हम अगर कहते हैं कि मॉड्यूलस 16 या मॉड 16 काउंटर बनाना है तो उसके 16 यूनिक स्टेट्स हो सकते हैं। अब 16 यूनिक स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, बेसिकली इसका बड़ा सीधा साधा सा फॉर्मूला है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2^n। सो 16 मॉड्यूलस अगर आपने काउंटर बनाना है सो 2^n n हो जाएगा 4। दैट मीन्स 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए जब आप एसिंक्रोनस काउंटर बनाएंगे तो 16 डिफरेंट स्टेट्स तक वो काउंट करेगा, 0000 से लेके 1111 तक। इसी तरह अगर आपने मॉड्यूलस 8 बनाना है तो उसके लिए आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, वो 0000 से लेके 111 तक काउंट करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूलस 8 हो या मॉड्यूलस 16 हो, जैसा कि एक डेकेड काउंटर होता है, डेकेड काउंटर जो है बेसिकली उसमें 10 स्टेट्स होंगे, 0000 से लेके 1001 तक काउंट करेगा। जो बकाया स्टेट्स हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 वो काउंटर काउंट नहीं करेगा। दैट मीन्स जब आखिरी स्टेट पे पहुंचेगा वो वापस 0000 पे रीसेट हो जाएगा, उधर से आगे से दोबारा से काउंट करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मॉड्यूलस एन काउंटर है या डेकेड काउंटर है ये हम कैसे बनाएंगे, बेसिकली वो जो क्लियर एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। सर्किट डायग्राम इसका उसी तरह होगा जिस तरह हमने 3-bit काउंटर का बनाया था। जो आउटपुट स्टेट है, लेट्स से हम डेकेड काउंटर बनाना चाह रहे हैं, 1001 स्टेट आ गई।
अब इसके बाद हम ज़ीरो पे रीसेट करना चाह रहे हैं, सो हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे जो स्टेट को चेक करेगा। अगर ये स्टेट हम उस तक पहुंच गए हैं, काउंटर ने काउंट कर लिया है, तो जो कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट है वो कनेक्ट होगा सारे क्लियर इनपुट के साथ। सो जो ही वो स्टेट पहुँची, सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे, नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स आएगा उधर से आगे काउंट करना शुरू कर देगा। आइए हम देखते हैं दो एग्जांपल्स। पहले तो हम देखते हैं एक मॉडुलस 5 या मॉडुलस 6 काउंटर है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ, उसके बाद हम डेकेड काउंटर को देखेंगे। जो इधर डायग्राम दिखाया गया ये एक मॉड 6 काउंटर का सर्किट डायग्राम है। मॉड 6 काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली 3 JK फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। सारी स्टेट्स जो हैं वो काउंट नहीं करेगा, मॉड 6 का मतलब है 6 डिफरेंट यूनिक स्टेट्स काउंट करेगा 0 से लेके 5 तक, छठी स्टेट पे वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। कनेक्शन इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा है, तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके जे के इनपुट्स जो हैं परमानेंटली 1 पे कनेक्ट हुए हैं, जो आउटपुट्स हैं इन तीनों के वो दूसरे के अगले वाले के फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्ट हैं। सो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है दूसरे वाले के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है तीसरे के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है। पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको आप डायरेक्टली क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। इधर आपको क्लियर जो एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसके साथ एक कनेक्शन किया हुआ। बेसिकली अगर सर्किट डायग्राम को देखें, एक नैंड गेट हमने यूज़ किया, नैंड गेट का आउटपुट जो है वो 0 उस वक्त होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। अब दोनों इनपुट्स 1 कब होंगे, जब F1 आउटपुट जो है वो 1 होगा और F2 आउटपुट 1 होगा। सो बेसिकली F0, F1, F2 अगर इनके आउटपुट पे 0, 1, 1 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रही है 7th स्टेट। अब मॉड्यूलस 6 काउंटर है, दैट मींस 0, 0, 0 से लेके 101 तक काउंट करना है। अगर 110 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7वीं स्टेट, जो कि इस काउंटर को काउंट नहीं करना चाहिए। सो F1, F2, 11 हो गया, जिसकी वजह से आउटपुट इसका 0 हो गया, तीनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्लियर हो गए। सो F0 के आउटपुट पे 0 आ गया, F1 के आउटपुट पे 0 आ गया और F2 के आउटपुट पे 0 आ गया। आइए इसको ज़रा देखते हैं टाइमिंग डायग्राम की मदद से। इधर जो आपको टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया मॉड 6 काउंटर का, इसमें प्रोपोगेशन डिले को हमने निगलेक्ट किया हुआ है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द क्लॉक साइकिल। सो T1 इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजिशन पे F0 आउटपुट जो है लो से हाई हो रहा है, F1 और F2 आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह T2 इंटरवल पे क्लॉक के हाई टू लो ट्रांजिशन पे F0 जो है वो हाई से लो हो रहा है और F1 आउटपुट जो है वो लो से हाई हो रहा है, F2 आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। T3 ट्रांजिशन पे F0 आउटपुट 1 पे जा रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है, F1 पे कोई चेंज नहीं आया और F2 के आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आया। T4 इंटरवल पे हाई टू लो ट्रांजिशन क्लॉक के F0 आउटपुट भी चेंज हो रहा है, F1 भी चेंज हो रहा है और F2 भी चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर आप T6 इंटरवल पे देखें, अगर T1 से लेके T6 इंटरवल तक आपके पास 6 स्टेट्स आ गई हैं, T1 इंटरवल तक 0, 0, 0 है, T2 तक 0, 0, 1 है, इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5। सो इंटरवल T6 से पहले F0 1 है, F1 0 है और F2 1 है, ये छठी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है। अब T6 इंटरवल के बाद क्लॉक के हाई टू लो ट्रांजिशन पे F0 आउटपुट जो है वो हाई से लो हो रहा है, F1 आउटपुट जो है थोड़ी देर के लिए हाई पे जा रहा है, इसी तरह F2 आउटपुट जो है थोड़ी देर के लिए वो हाई पे रह रहा है। अब क्योंकि F1 आउटपुट और F2 आउटपुट जो है वो NAND गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सो NAND गेट का आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। अब NAND गेट का आउटपुट जो है वो एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो इसका मतलब है T6 के थोड़ी देर बाद जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो रीसेट हो गए हैं, 0, 0, 0 स्टेट पे चले गए हैं। सो T7 इंटरवल पे आपको F0, F1, F2 जो हैं वो 0, 0, 0 पे नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि काउंटर पे कॉन्टीन्यूसली हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, सो T7 इंटरवल के बाद हाई टू लो ट्रांजिशन हुई क्लॉक पे, जिसकी वजह से F0 आउटपुट 1 हो गया, F0 में कोई चेंज नहीं हुआ, F2 पे कोई चेंज नहीं हुआ। सो इसका मतलब है ये जो काउंटर है ये दोबारा से काउंट करना शुरू हो गया। इसी तरह जब ये 5 पे पहुंचेगा 101 और उसके बाद जो ही ये 6 पे काउंट करेगा 110, ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। आइए अब
एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर को देखते हैं। डेकेड काउंटर का मतलब है ये 10 यूनिक स्टेट्स तक काउंट करेगा। पहली जो स्टेट है वो 0000 है और ये काउंट करेगा 1001 तक, जो नंबर 9 रिप्रेजेंट कर रही है। सो 0 से 9 तक का मतलब है 10 स्टेट्स होगी। अब इसको रीसेट हो जाना चाहिए जो ही ये अगली स्टेट पे जाता है, दैट मीन्स 1010 पे। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम से नज़र आ रहा है, जो NAND गेट है उसका इनपुट पे F3 आउटपुट कनेक्ट हुआ हुआ है और F1 आउटपुट कनेक्ट हुआ हुआ है। सो जो ही ये काउंट करता है, F00 पे चला जाता है, F11 पे चला जाता है, F20 पे चला जाता है और F31 पे चला जाता है। ये जो है 11th स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे इसको रीसेट हो जाना चाहिए। अब देखते हैं टाइमिंग डायग्राम की मदद से कि ये कैसे काम कर रहा है। अब अगर डेकेड काउंटर का टाइमिंग डायग्राम देखें, पहले इंटरवल में T1 में जो आउटपुट है वो 000 है, इंटरवल T2 में आउटपुट जो है 1 पे इंक्रीमेंट हो गया, इसी तरह इंटरवल T3 में इंक्रीमेंट हो गया 2 पे, इंटरवल T4 पे वो 3 पे इंक्रीमेंट हो गया, इसी तरह ये इंक्रीमेंट करता हुआ T9 इंटरवल पे F0 आउटपुट, F1 आउटपुट, F2 आउटपुट तीनों 0 पे हैं और F3 आउटपुट जो है वो 1 पे है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी 8, जो नवी स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। T10 इंटरवल पे F0 आउटपुट 1 हो गया, F1 आउटपुट 0 है, F2 आउटपुट 0 है और F3 आउटपुट 1 हो गया, जो कि बाइनरी 9 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10वीं स्टेट है इस काउंटर की। अब इसके बाद जो है इसको रीसेट हो जाना चाहिए 0000 पे। अब अगर T10 इंटरवल की आप बात देखें, F0 वो हाई टू लो जा रहा है, F1 जो आउटपुट है उसको लो से हाई जाना चाहिए। सो T10 के बाद एक शॉर्ट पल्स नज़र आ रही है जो आउटपुट को 1 पे लेके जा रहा है। F2 आउटपुट जो है वो 0 पे ही रहना चाहिए, जैसा कि टाइमिंग डायग्राम में दिखाया गया है, और T10 जो इंटरवल है वो हाई पे ही रहना चाहिए। अब जो NAND गेट को अगर आप देखें, उसमें क्योंकि F1 और F3 जो आउटपुट्स हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं, तो क्योंकि ये दोनों 1 पे चले गए हैं T10 इंटरवल के बाद, सो आउटपुट जो है NAND गेट की वो 0 हो जाएगी। अब क्योंकि NAND गेट का जो आउटपुट है वो चारों क्लियर के साथ कनेक्टेड है, सो इमीडिएटली चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो उनके आउटपुट्स 0 पे चले जाएंगे। सो T10 के इंटरवल में अगर आप देखें, F0 तो वैसे ही 0 पे चला गया था, F1 जो है वो 0 पे जा रहा और रीसेट हो गया, F2 वैसे ही 0 पे था और F3 आउटपुट भी 1 से 0 पे रीसेट हो गया। अब काउंटर पे क्योंकि क्लॉक पल्सेस मिल रही हैं, ये अगेन कंटिन्यू रहेगा काउंटिंग। सो 0 के बाद फिर दोबारा 1 पे काउंट करेगा, फिर 2 पे, 3 पे और इसी तरह आगे 10वीं स्टेट तक पहुंच जाएगा। अभी हमने दो एग्जांपल्स देखी एसिंक्रोनस काउंटर के, एक मॉड 6 काउंटर जो 6 स्टेट्स काउंट करता है और मॉड 10 काउंटर जो 10 स्टेट्स काउंट कर रहा है 0 से लेके 9 तक। इसको डेकेड काउंटर भी कहते हैं। अब क्योंकि हमने जैसे बताया, काउंटर जो है बड़े एक कॉमन यूज़ है, हर डिजिटल सर्किट में काउंटर्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। अब बजाय ये कि आप मुख्तलिफ आप फ्लिप फ्लॉप्स लें, JK फ्लिप फ्लॉप्स लें, उनको आपस में कनेक्ट करें, उनको रीसेट करें, NAND गेट्स लगाएं, आपको एक इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में बने बनाए ये काउंटर्स अवेलेबल हैं। एक जो कॉमनली अवेलेबल चिप है वो 74LS93A है, जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनमें से 3 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ ए 3-बिट काउंटर और एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेपरेट है। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट की 2 क्लॉक इनपुट्स हैं, एक जो क्लॉक इनपुट है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो क्लॉक है वो कनेक्टेड है जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट के साथ। सो अगर आपने 4 बिट काउंटर बनाना है, एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है वो दूसरे वाले क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के 4 आउटपुट्स मिल रहे हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 जो हैं 4 आउटपुट्स फ्लिप फ्लॉप के, 4 फ्लिप फ्लॉप के। अब अगर आपने मॉड 16 काउंटर नहीं बनाना, आपने लत से मॉड 10 काउंटर बनाना है, तो इसका मतलब है आपने कुछ फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करना होगा। अब इस चिप में 2 रीसेट पिन्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप पूरे सर्किट को रीसेट कर सकते हैं उसमें। आइए इस इंटीग्रेटेड सर्किट को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, इससे डिफरेंट काउंटर्स बनाते हैं। इस सर्किट की मदद से हम 2 जो हैं ICs कनेक्ट करके एक बड़ा काउंटर भी बना सकते हैं। सो आइए डिफरेंट एग्जांपल्स देखें। डायग्राम में 74LS93A का इंटरनल सर्किट डायग्राम दिखाया गया। जैसे हमने पहले बताया, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो बाकी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड नहीं है। इसकी 2 पिन्स आपको अवेलेबल हैं, एक क्लॉक A जो इसके क्लॉक इनपुट पे कनेक्टेड है और Q0 आउटपुट जो इसके आउटपुट से आपको अवेलेबल है।
जो बाकी तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप 2, 3 और 4, वो आपस में कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ ए 3-bit counter. इनके जे और के इनपुट्स चारों फ्लिप फ्लॉप्स के वन के साथ कनेक्टेड हैं. जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका जो क्लॉक इनपुट है वो क्लॉक बी से आ रहा है, और इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप 3 है एंड 4 है उनका जो क्लॉक है फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप 3 से आ रहा है. इस सर्किट के चार आउटपुट्स हैं, एक तो Q0 जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और बाकी जो है Q1, Q2, Q3 वो बाकी तीन फ्लिप फ्लॉप्स का है. जैसे हमने पहले बताया, इस सर्किट को आप रीसेट कर सकते हैं. लेट्स से अगर आपने मॉड 5 काउंटर बनाना है या मॉड 6 बनाना है या मॉड 10 बनाना है, तो रीसेट कैसे करेंगे? बेसिकली आपको अगेन दो पिन्स अवेलेबल हैं, R01 एंड R02. ये इंटरनली एक नैंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं, और नैंड गेट का आउटपुट जो है वो क्लियर इनपुट के साथ कनेक्टेड है. सो जो भी अपने काउंटर बनाना है, अगर रीसेट करना है, वो आप R01 और R02 की मदद से कर सकते हैं. आइए अब देखते हैं कि ये 74LS93A को एज मॉड 16 काउंटर कैसे कन्फिगर कर सकते हैं. मॉड 16 काउंटर में आपको चार फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, तो इसका मतलब ये काउंट करेगा 0000 स्टेट से लेके 1111 स्टेट तक. सो चार फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो क्लॉक बी सिग्नल है वो आप Q0 के साथ कनेक्ट कर दिए. जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्ट किया. जो मेन क्लॉक सिग्नल है वो आप अप्लाई करेंगे क्लॉक ए इनपुट पे. जो R01 इनपुट है और R02 इनपुट है उसको आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आपने दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया. दैट मीन्स नैंड गेट का आउटपुट जो है वो परमानेंटली वन कर दिया. सो दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप्स जो चारों हैं वो कभी भी रीसेट नहीं होंगे. सो जो ही ये काउंटर आखिरी स्टेट 1111 पे पहुंचता है, ये ऑटोमेटिकली स्टेट 0000 पे आ जाएगा. अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं. इसी आईसी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एज ए डेकेड काउंटर. डेकेड काउंटर अगर आपको याद हो, जब स्टेट 1010 पे पहुंचता है उस वक्त ये रीसेट हो जाना चाहिए. सो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, Q0 आउटपुट हमने क्लॉक बी के साथ कनेक्ट कर दिए, तो चारों जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं. जो मेन क्लॉक सिग्नल है वो क्लॉक ए से अप्लाई हो रहा है. अब जो Q3 आउटपुट और Q1 आउटपुट जो है वो हमने कनेक्ट कर दिए R01 और R02 के साथ. अब Q1 पे और Q3 पे जो ही 1-1 हो जाएगा, ये सर्किट रीसेट कर जाएगा और 0000 स्टेट पे पहुंच जाएगा. आखिरी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हम दो जो 74LS93A सर्किट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 50 कर रहा है. जो पहला वाला लेफ्ट साइड पे जो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट नज़र आ रहा है वो बेसिकली डिवाइड बाय 10 कर रहा है. बेसिकली एक डेकेड काउंटर के तौर पे कॉन्फ़िगर किया है. सो क्लॉक ए पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी Q3 आउटपुट पे वो डिवाइड बाय 10 होके आपको मिलेगी. इसके बाद जो दूसरा वाला 74LS93A है उसको हमने कॉन्फ़िगर किया है एज डिवाइड बाय 5. जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जो बाकी तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको यूज़ किया हुआ है, इसीलिए जो Q3 का आउटपुट है वो क्लॉक बी इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है. अब जब ये स्टेट 5 पे पहुंचेगा, Q3 1 हो जाएगा और Q1 भी 1 हो जाएगा, उस वक्त इसको रीसेट हो जाना चाहिए. सो Q1 आउटपुट और Q3 आउटपुट जो हैं वो R01 और R02 के साथ कनेक्ट कर दिए. अब Q3 जो है दूसरे वाला 74LS93A का आउटपुट जो है उस पर अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करें, वो क्लॉक ए जो है पहले वाला जो चिप है उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी और इसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी में 50 का फ़र्क है. सो बेसिकली इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 50 कर रही है. आज आपने एसिंक्रोनस काउंटर्स पर डिस्कशन की. सिंक्रोनस काउंटर्स पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन शुरू करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे. खुदा हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.